चिराग हाजी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कैसर शेख नासिर साहब, नाजिया भी नासिर पठान साहब, सबीना भी इकबाल डॉलर साहब, सईद बैग हसनैन बैग साहब और औरंगाबाद से तशरीफ लाए हमारे कॉरपोरेटर अयूब जागीरदार साहब और हैदराबाद और औरंगाबाद से तशरीफ लाए नासिर सिद्दीकी साहब, साजिद पिंजरी साहब और स्टेज पर बैठे तमाम ओहदेदारान जिम्मेदारान मजलिस की मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद मेरे साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी पसे पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतखाबी जलसा रखा गया है और चंद दिनों में यहाँ पर इंतखाबात है और तमाम जमातें आपके बीच में हैं। मैं दिल्ली की सरजमी से आपके बीच में सिर्फ इसलिए आया हूँ मेरे भाई कि मैं आपको बता सकूं कि आज मुल्क के हालात क्या है और मुल्क हमें किस तरफ ले जा रहा है और हिंदुस्तान में हमें किस किस साजिशों का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज आपको पता है 72 साल की इस आजादी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जब हम ये देखते हैं कि ये लोग, ये नुमाइंदे जो 72 सालों से हमारे बीच में आए और हमें अच्छी अच्छी बातें कही, हमारी बस्तियों में रोशनी देने को कहा, कभी हमारे बच्चों को तालीम देने के लिए कहा तो कभी हमारे इलाज के लिए अस्पताल देने को कहा तो कभी सड़क और नालियां, इन बातों से ये 72 साल काटते चले गए। लेकिन जब 72 साल बाद आज देखते हैं तो पता यह चलता है, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है या महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आती है या गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट आती है या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है तो पता यही चलता है कि 72 सालों में अगर सबसे बदहाल, सबसे खस्ता हाल किसी कोई कौम है और दलितों से भी बदतर कोई जिंदगी जी रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत 25 करोड़ की आबादी में मुसलमान है मेरे भाई। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? आज मैं आपके बीच में आया हूं मेरे भाई और मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं। जब आप यहां से जाए तो एक सोच लेकर जाइएगा, एक जज्बे को लेकर जाइएगा, एक जुनून को लेकर जाइएगा कि नसीम सिद्दीकी दिल्ली से आया था और दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देकर गया। मेरे भाई मेरी बातों को गौर से सुनना, अगर मैं दहशतगर्द हूं, अगर मैं दहशतगर्द हूं तो मरने के बाद मेरा बेटा बोल सकता है, अगर मैं दहशतगर्द हूं तो मरने के बाद मेरा बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारों पर तो मुर्दा बोल सकता है, हुकूमत के इशारों पर तो मुर्दा बोल सकता है। और इस हिंदुस्तान में नफरतों ने लूटी है इतनी अजमतें, इस हिंदुस्तान में नफरतों ने लूटी है इतनी अजमतें, अगर पूछना चाहो तो दुपट्टा बोल सकता है, अगर पूछना चाहो तो दुपट्टा बोल सकता है। और मेरे भाई हुकूमत की तवज्जो चाहती है, हुकूमत की तवज्जो चाहती है वो जली हुई बस्तियां, हुकूमत की तवज्जो चाहती है वो जली हुई बस्तियां। अगर अदालत पूछना चाहे तो मलुआ बोल सकता है, अगर अदालत पूछना चाहे तो मलुआ बोल सकता है। और मेरे भाई हमारी लाशों पर इतनी कुर्सियां बिछी है, हमारी लाशों पर इतनी कुर्सियां बिछी है, ये वो सच है जो झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जो झूठे से झूठा बोल सकता है। मेरे भाई हम एक हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तान के मुसलमान बोल रहे हैं। इस हिंदुस्तान में हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना आम शहरियों का है, लेकिन फिर क्यों ये हमें इस नजरों से देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई, क्यों हमें रोज कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसका जवाब देने को भी हमको ही कहा जाता है, जबकि इसका तो हमें इल्म भी नहीं कि हम किसके जिम्मेदार हैं। मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर रोज हमारे ऊपर मुद्दे बना दिए जाते हैं, हर रोज हमारी ही बातें, हर रोज कभी हमें
हमें वोट बैंकों की तरह यूज किया जाता है तो कभी हमें नफरतों का नजरिया बना दिया जाता है। हर रोज हम पर ही मुद्दे, हम ही हम। कभी मुद्दे उठते हैं तो टीवी पर यह दलाल मीडिया भी हम पर ही तंकीद कसती है। क्यों मेरे भाई, क्या हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं? क्या हमारी पहचान सिर्फ दाढ़ी, टोपी, तीन तलाक या हलाला तक रह गई? ये क्यों नहीं समझते कि हमारी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम लोग भी कारोबारी हैं, हम लोग भी नौकरियों पर जाते हैं? ये इस बात को क्यों नहीं समझते मेरे भाई? सिर्फ हम पर ही उंगलियां क्यों उठाई जाती है? हम पर ही, हमें ही नफरत की तराजू में तोला जाता है मेरे भाई। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या हमारी माँ बहने जो बुरखे में लिपटी है, क्या वो तीन तलाक की मारी है? नहीं मेरे भाई, एक साजिश बना दी गई, एक नजरिया बनाया जा रहा है और साजिश का जाल हमारे इर्द गिर्द ये लोग बुनते जा रहे हैं। हम लोग नहीं समझते हिंदू और मुसलमान में फर्क, क्योंकि हमने भी होली और दिवाली की रोशनी देखी है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे आसपास एक नफरत की दीवार खड़ी करते जा रहे हैं। एक नफरत की ऐसी दीवार जिसे तोड़ना आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल है मेरे भाई। इन्हें यह क्यों नहीं समझ में आता कि हम में भी कोई किसान है, हम में भी कोई कारोबारी है, हम में भी मेरे भाई कोई डॉक्टर है, कोई एक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिंगर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई मेरे भाई सियासतदान है। लेकिन मेरे भाई, उससे पहले तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान है। यह इस बात को क्यों नहीं समझते तो मैं इनको बोलना चाहता हूं, टूटे हुए जंजीर की फरियाद है हम, टूटे हुए जंजीर की फरियाद है हम। लोग समझते हैं कि आजाद है हम, टूटे हुए जंजीर की फरियाद है हम। लोग समझते हैं कि आजाद है हम। हम अपने ही मुल्क में क्यों दिखते हैं परदेसी? हम अपने ही मुल्क में क्यों दिखते हैं परदेसी? अरे मुद्दतों से तेरे शहर में आबाद है हम, अरे मुद्दतों से तेरे शहर में आबाद है हम। और इस तामीर वतन में, इस तामीर वतन में हम भी हैं बराबर के शरीक, इस तामीर वतन में हम भी हैं बराबर के शरीक। अगर तुम दरो दीवार हो तो बुनियाद है हम, बुनियाद है हम। मेरे भाई, इस बुनियाद को कमजोर करने की साजिश हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस बात का पता है, अगर यह बुनियाद कमजोर हो जाएगी तो दरो दीवार खुद टूट जाएंगे, अगर यह बुनियाद कमजोर हो जाएगी तो हिंदुस्तान खुद कमजोर हो जाएगा। मेरे भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपको इस बुनियाद को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एक कयादत में आना पड़ेगा, एक जगह होना पड़ेगा। जब तक आप इस बुनियाद को मजबूत नहीं करोगे मेरे भाई, तो याद रखना हिंदुस्तान के अंदर हमारी हस्ती तक मिटा दी जाएगी, हवा की तरह बिखर जाएंगे, हमारा आता पता भी नहीं होगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा हाल लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाई, मेरे बाप को बताता हूं मेरे भाई, अभी अभी बाकी है, अभी बाकी है लहू मेरे खून जिगर का। और इस हिंदुस्तान के अंदर और मुसलमानों को इस बात का बाखूबी पता है कि जब से हिंदुस्तान आबाद हुआ या जब से इस्लाम पैदा हुआ मेरे भाई, इस्लाम आया, मुसलमानों को अपनी शरीयत से, अपने इस्लाम से, अपने ईमान से, अपनी कुर्बानी से हमेशा मोहब्बत रही है। लेकिन 750 साल हुक्मरानी करने वाली कौन? आज अगर 72 सालों में 1947 से लेकर 2018 तक अगर मुसलमानों की तरक्की की दास्तां बयां करूं मेरे भाई, तो कुछ इस तरीके से तरक्की बयां होती है। इन 72 सालों के अंदर मुसलमानों की तरक्की इस तरीके से बयां होती है कि धुआं उठा तो उठता रहा, बस्तियां जली तो जलती रही, लाश गिरी तो गिरते रहे, खून बहा तो बहता गया, अजमतें लुटी तो लुटती रही, कोखे वीरान हुई तो होती रही। लेकिन हमारे कदम नहीं लड़खड़ाए, हमारा दिल नहीं घबराया, ना ही मेरे भाई हमारे कदम लड़खड़ाए, ना ही हमारा दिल घबराया, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। और इसी खून से हमने इस 72 सालों में हिंदुस्तान के अंदर अपनी तरक्की को सींचा है मेरे भाई।
इसी 72 सालों के अंदर अपने खून से हिंदुस्तान की तरक्की को सींचा है। मुझे याद है और आपको भी याद होगा, यही दिसंबर का महीना, वो 1992 का काला दिन, जब जालिमों ने यह इरादा किया कि बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे, हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देंगे, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा देंगे। लेकिन वह जालिम ये कैसे भूल गया कि हम ही है सितारों पर कमंडे डालने वाले, हम ही है कुफर के सीने में खंजर गाड़ने वाले, और हम ही है गर्दिशों का रुख मारने वाले, और हम ही है मौत से आंखों को मिलाने वाले। लेकिन मेरे भाई वो जालिम फिर भी अपनी गुरूरियत में डूबा चला आया, बाबरी मस्जिद को भी गिरा डाला, हिंदू मुसलमानों को भी लड़ा डाला, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन मेरे भाई बाबरी मस्जिद की मिट्टी गवाह है कि हम भी अड़े रहे, हम भी खड़े रहे, और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर न बने इसलिए हमने इन सरकारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर न बने सरकार को मजबूर कर दिया। मेरे भाई सरकार को मजबूर कर दिया। आज ये लोग कहते हैं मेरे भाई कि हमारे शरीयत को बदल डालेंगे, हमारे तारीख को बदल डालेंगे, हमारे शरीयत को मिटा डालेंगे, हमारी तारीख को मिटा डालेंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, सुनो हमारी तारीख मिटाने वालों, सुनो कच्छाधारियों, सुनो बजरंगदल वालों, सुनो आरएसएस वालों, सुनो भी हिंदू परिषद वालों, सुनो बीजेपी वालों, तुम हमारी तारीख मिटाओगे, तुम्हें क्या मालूम है हमारी तारीख के बारे में। मैं तुम्हें अपनी तारीख बताता हूं, हमारी तारीख कहती है मेरे भाई, हमारी तारीख कहती है कि हमारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद पड़ा, इब्राहिम का तो कुछ ना हुआ लेकिन नमरूद का नामो निशान मिट गया, तुम हमारी तारीख मिटाओगे। हमारी तारीख कहती है कि हमारा मूसा समंदर का दरिया सीना चीर कर समंदर पार कर गया लेकिन फिरौन का नामो निशान मिट गया, तुम हमारी तारीख मिटाओगे। अरे हमारी तारीख कहती है मेरे भाई, हमारी तारीख कहती है कि अरब के तपते सहरा में भी बिलाल ने अहद अहद पुकारता रहा लेकिन अपने ईमान और इस्लाम को झुकना ना दिया, तुम हमारी तारीख मिटाओगे। सुनो हमारी तारीख मिटाने वालों, 313 मुजाहिद हजारों के लश्करों से टकरा गए और मिटाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी तेरी 5 साल की तारीख थी, सुन नरेंद्र मोदी तेरी 5 साल की तारीख थी और इंशाल्लाह इस 2019 में मिट जाएगी, लेकिन जो सदियों से तारीख चलती आई है ना वो यजीद मिटा पाया, ना वो फिरौन मिटा पाया, ना वो नमरूद मिटा पाया, तो चाय वाले तेरी औकात क्या है, चाय वाले तेरी औकात क्या है। तुम्हें जागना होगा मेरे भाई, तुम्हें जागना होगा, जब तक तुम नहीं जागोगे मैं तुम्हें यहां पर कोई किस्से सुनाने नहीं आया मेरे भाई, मैं तुम्हें कोई खेल दिखाने नहीं आया। नौजवानों तुम यहां पर खड़े हो, मेरे हम उम्र हो, मेरे बड़े भी बैठे हैं, अगर मैं कोई भी गलत बात कहूं मेरे भाई, मेरा सर आपकी तलवार गर्दन कटा लूंगा, लेकिन दिल्ली से आकर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, इतिहाद की जरूरत है मेरे भाई, आपको इतिहाद लाना होगा और उन सारी हुक्मरानों को बताना होगा जो 72 सालों से हमें लूटते आए, हमें काटते आए, हमें पीटते आए, और हम उन्हीं का झंडा उठाने के लेकर घूमते रहते हैं मेरे भाई। बताओ इन 70 सालों में हमें क्या मिला मेरे भाई, इन 70 सालों में अगर हमें कुछ मिला है तो सिर्फ हमारी अजमतें लुटती हुई मिली है, बस्तियां जलती हुई मिली है, घरे वीरान हो गए, कोखे तबाह हो गई, और आज नरेंद्र मोदी जाकर सब जगह विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। मुसलमानों में तुमको एक बात बताता हूं और तुमको याद होगा, तुमसे दूर नहीं है 2002 का वो वाक्या, आपके करीब में गुजरात पड़ता है मेरे भाई। उस नरोदा पाटिया की कहानी सुनाता हूं, जब मैंने सुना, जब ये नरेंद्र मोदी ये कहता है
कि हमारी महिलाओं को अधिकार दिलाएगा, हमारी महिलाओं को एक हक देगा। मेरे भाई उस नरोदा पाटिया की आपको कहानी सुनाता हूं। एक माजिद नाम का शख्स IBN 7 पर इंटरव्यू दे रहा था। मैं उसका इंटरव्यू सुनने लगा। वो शख्स कहता है कि अल्लाह तूने अगर मुझे मौत दे दी होती ऐसा वाक्य दिखाने से पहले तो मैं खुशी खुशी अपनी मौत कबूल कर लेता। वो कहता है अल्लाह काश मेरी आंखें फूट गई होती ऐसा मंजर देखने से पहले तो भी मैं खुशी खुशी कबूल कर लेता। वो कहता है मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे सुनाऊं अपने दर्द को, मैं अगर अपने दर्द को बयां करता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। उस दर्द को सोचना मुसलमानों, वो दर्द का मंजर क्या होगा जब वो कहता है कि नरोदा पाटिया के अंदर 18 साल की बच्ची हो, 7 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, 25 साल की औरत हो, चाहे वो बच्चियां लड़कियां औरतें हमारी माँ बहनों को ये जालिम घसीट घसीट कर निकाल रहे थे और उनके साथ बलात्कार पे बलात्कार कर रहे थे और उनको मार देते थे। और यहां तक नहीं, उसने बोला मैं कैसे वो मंजर को बयां करूं। एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी, 7 बजे उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन जालिमों ने 7 बजे ही उसका रेप कर दिया और उसके पेट को चीर कर एक जिंदा बच्चे को निकाला और उस जिंदा बच्चे के तलवार से 2 टुकड़े कर फेंक दिए। उस मंजर का आलम क्या होगा, तुम तो दूसरे का झंडा उठा लेते हो, उस मंजर को याद करो। वो कहता है कि 4 साल 5 साल की बच्चियां क्या होती है मेरे भाई, हमारे गोदों में खेलती है, हम उन्हें गोद में घुमाते हैं, लोगों से बताते हैं हमारी बच्चियां हैं। 4 साल 5 साल की बच्चियों को 20 साल से लेकर 25 साल के नौजवान खींच खींच कर नोच कर रेप कर रहे थे और वो बच्ची कह रही थी कि अम्मा बचा लो, अब्बा बचा लो, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। वो मंजर सोचो मुसलमानों, वो मंजर आज ये महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात करता है, हमारी माँ बहनों को तन्हा समझता है। अरे उस मंजर को याद करके तुम्हारा खून नहीं खोलता। वो कहता है मेरी 3 बेटियों को मार दिया, 3 बेटों को मार दिया, मेरी बीवी को जिंदा जला दिया, मैं किस किस को ये मंजर बताऊं। और यार नरेंद्र मोदी अगर उस मस्जिद की जगह होता तो उसको एहसास होता, उसको एहसास होता कि परिवार खोने का दर्द क्या होता है, किसी बहन या बेटी की असमत लुटने का दर्द क्या होता है। वो नरेंद्र मोदी आज विकास की बात करता है, सबके साथ और सबकी बात करता है। मेरे भाई उस मंजर को क्यों नहीं याद करते, क्या उस समय कांग्रेस दौरे इख्तदार में थी, कांग्रेस की हुकूमत थी। मेरे भाई अगर कांग्रेस चाहती तो उन सालिमों को सजा देती, नरेंद्र मोदी को जेल में डालती, नरेंद्र मोदी को कटघरे में डालती। तो मेरे भाई आज जो ये मंजर फिर से हमें देखना पड़ रहा है, ये मंजर नहीं देखना पड़ता मेरे भाई। मैं याद करता हूं तो मेरे भाई मेरे आंसू निकल जाते हैं, उस दर्द का मंजर। और ऐसे ऐसे वाक्या सोचो अगर ये तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारा खून कैसे खोलेगा। अरे हम उस कौम के बच्चे हैं मेरे भाई जो हमारी तरफ आंखें दिखाने वालों की आंखें तक निकाल लेते हैं, वो हमारी बच्चियों का रेप करते चले गए लेकिन इन जालिमों को सजा ना दी गई मेरे भाई। और मेरे भाई याद रखो ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो। आ मेरी आवाज के साथ एक आवाज मिला दो और एक एक हाथ खड़े करके नारा लगाना मेरे भाई, ताकि आपकी आवाज पूरे महाराष्ट्र पूरे गुजरात दिल्ली तक जाए कि दुनिया के मुसलमानों के बीच में एक दीवाना आया था और एक पैगाम देकर जा रहा है। एक एक हाथ आपका हाथ मुझे बता देंगे कि आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाई दर्द के तो ऐसे ऐसे मंजर है मेरे भाई, अगर मैं बयां करूं तो मेरे भाई आप हाथों में तलवार ले लोगे और एक एक करके सारे गर्दन उड़ा दोगे। लेकिन यह हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मुसलमान कभी हिंदुस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मुसलमान कभी नहीं सोचता कि हम अपने हिंदुस्तान के कोई नुकसान दे। दुनिया सब कुछ करती रही और हम सब कुछ सहते रहे मेरे भाई। कांग्रेस मुसलमानों को इस हालत पर आने वाली मेरे भाई कांग्रेस है। आपको पता है कांग्रेस के दौरे इख्तदार में 50,000 से ज्यादा फिसाद,
कभी कांग्रेस ने मलियाना में लूटा तो कभी हैदराबाद में मारा, कभी मुंबई में मारा तो कभी मेरठ में मारा। मेरे भाई कांग्रेस हमें मारती गई और हमारे हाथों में अपना झंडा पकड़ा के हमसे ही नारे लगवा रही थी, क्योंकि इन जमातों को जो ये समाज जो हम पर जुल्म सितम करते गए इसको पैदा करने वाली तो कांग्रेस है। मेरे भाई जरा बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके शहर में 2013 में मेरे भाइयों ने बताया कि यहां पर 6 बच्चों को शहीद कर दिया गया, फसाद हुआ मानता हूं, लेकिन उसका कारण क्या होगा? कांग्रेस दौरे अस्पताल में थी, क्या उधर से कोई मरा? बताओ मेरे भाई, क्या उधर से कोई मरा? हाथ खड़े करके बताओ अगर पता है तो, क्या उधर से कोई मरा? इधर से ही क्यों मरे मेरे भाई? क्योंकि आपको पता है जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने जालिम गए थे, अगर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के ऊपर कांग्रेस इसी तरीके से गोलियां चलवा देती तो कोई माई का जरा बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं कर सकता। अगर बाबरी मस्जिद मुसलमानों आज तुमसे सवाल कर रही है, 25 साल हो गए मेरी शहादत को लेकिन तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं आया, वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है, आखिर तुम कब इत्तेहाद लेकर आओगे? तुम कब समझोगे इस कांग्रेस को? तुम कांग्रेस के पीछे भागते हो मेरे भाई। आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये लोग बदनाम करते हैं। मैंने भाई मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो कोई पैसा नहीं ले रखा, कोई दौलत नहीं ले रखी, मैंने कोई शोहरत नहीं ले रखी, लेकिन मेरे भाई मैं दिल्ली की सरजमी पर रहता हूँ, वहां पर तो कोई फसाद नहीं है मेरे भाई, वहां पर तो ऐसे कोई झगड़े नहीं है, फिर भी मैं क्यों महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में हर जगह जाता हूं अपने लोगों को मुतहिद करने के लिए? क्योंकि मैं जानता हूं कौम का दर्द क्या होता है। अगर आप अपने कौम के दर्द को समझोगे तो मुसलमानों के करके वोट देना होगा तुम्हें पतन को। और मैं तुम्हें बता देता हूं मेरे भाई, कब तक दूसरे का झंडा उठाओगे मेरे भाई? कब तक दूसरे का नारा लगाओगे? कभी कांग्रेस का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा? कभी समाजवाद का उठा लिया, कभी बहुजन समाज का उठा लिया, कभी राष्ट्रवाद का उठा लिया, कभी मेरे भाई किसी का 72 सालों से दूसरों का झंडा उठाते आए, दूसरों का नारा लगाते आए मेरे भाई। नारा लगाना है तो लगाओ ना नारा जो उस दौर में लगता था, नारा सिद्दीक की सलाकत पर लगता था, नारा उमर की अदालत पर लगता था, नारा अली की बहादुरी पर लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। हाथ ऐसे ही रखना मेरे भाई, राहुल गांधी है ईमान वाला? राहुल गांधी है? क्या मुलायम है? क्या पवार है? क्या मायावती है? कौन है ईमान वाला? तुम्हारी जुबान से सुनवा चलो, कौन कौन? अरे हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ईमान वाला, अब्दुल्लाह ओवैसी ईमान वाला, और हम सब ईमान वाले मेरे भाई। ईमान वाले का नारा लगाओ मेरे भाई, और वो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं मेरे भाई। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, एक बात बताओ मेरे भाई, हम लड़े इलेक्शन तो बीजेपी की टीम, कांग्रेस अलग लड़ती है, बहुजन समाज अलग लड़ती है, राष्ट्रवादी अलग लड़ती है, समाजवादी अलग लड़ती है, ये सब तो वोट खा जाते हैं मेरे भाई, हम तो अकेले ही लड़ रहे हैं मेरे भाई, तो बी टीम हम कैसे हैं? वोट ज्यादा किला डिवाइड हो रहा है, इस बात को क्यों नहीं समझते मेरे भाई कि वोट तो वो डिवाइड कर रहे हैं और बदनाम हमें कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद आ गया तो कोई माई का जरा मुसलमानों के गिरेबानों से नहीं खेल सकता मेरे भाई, कोई माई का जरा मुसलमानों के गिरेबानों से नहीं खेल सकता मेरे भाई। जरा सोचो मेरे भाई, ये सोचने का वक्त है और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई अभी आसमां इस जलती जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहां नहीं आने वाला मेरे भाई। हम पुकारेंगे तो अहले हरम आएंगे, उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे मेरे भाई। अब
अबाबिलों के मालिक हम आएंगे, वो बात अलग है कि तादाद में कम आएंगे मेरे भाई, लेकिन आएंगे जरूर मेरे भाई। आगे लोग कहते हैं कि मजलिस के कुछ नुमाइंदे क्या कर लेंगे, मजलिस के कुछ नुमाइंदे क्या कर लेंगे। अरे मेरे भाई, हम उस नबी जीशान के गुलाम हैं जिन्होंने कुफार के सामने बिना जंगे सामान के 313 मुजाहिदों को लड़ा दिया। किसी के पास तलवार थी तो ढाल ना थी, ढाल थी तो तलवार ना थी। जब वो 313 मुजाहिद लड़े तो चश्मे फलक ने भी देखा, दुनिया की पूरी कायनात को बदल के रख दिया मेरे भाई। तो मुझे कह लेने दो, तो मुझे कह लेने दो, लो तुम भी सुनो लो हम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं। मजलिस में ताकत है 313 की, अरे जालिम तुझसे लड़ाने आया हूं। मेरे भाई पहचानो, तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, और कुफ्र दम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ अगर तुम निकल जाओगे नाराए तकबीर के साथ मेरे भाई। अब निकलना होगा तुम्हें मेरे भाई। आज ये लोग कह रहे हैं तेलंगाना के अंदर इलेक्शन है मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे मर्द मुजाहिदों को कामयाब कर दे, हमारे मर्द मुजाहिद कामयाब हो जाए, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिंदुस्तान में रहने वाले मजलूमों की आवाज बन सके मेरे भाई। आज तमाम पार्टियां वहां पर उनको दबाने में लगी है, उनको झुकाने में लगी है। बताओ ना मेरे भाई, सिर्फ 8 लोगों से इतना डर क्यों मेरे भाई? क्योंकि वो जानते हैं वो 8 लोग 800 के बराबर है मेरे भाई। वो इसलिए उन्हें झुकाना चाहती है, उत्तर प्रदेश का एक टकला, उसका नाम लेकर भी शर्म आती है मेरे भाई। बंदर की शक्ल देख लो, उसकी शक्ल देख लो, टकला जाकर हैदराबाद में कहता है, योगी नाम है उसका मेरे भाई, याद आया, फिर बोलेगा नाम नहीं लिया। वो टकला जाकर हैदराबाद में कहता है कि बीजेपी की सरकार आ गई तो ओवैसी को हैदराबाद से भगा देंगे। अरे टकले, वो जो उत्तर प्रदेश में तेरा 29 दूना भाई जीत कर आए, पहले उनको तो भगा के दिखा। दो भाई भगा नहीं पा रहे मेरे भाई, और जा रहे शेरों को भगाने। सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बकवासबाजी, इनसे कुछ भी कहला लो मेरे भाई, झूठे वादे करा लो, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, तमाम तरीके के झूठे वादे। लेकिन मुसलमानों तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम्हें इत्तेहाद कहां पर लाना है मेरे भाई। मैं आज आपके बीच में आया हूं, बहुत तकलीफ में आया हूं मेरे भाई, और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी अम्मी की दोनों किडनियां खराब है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। मैं अपनी अम्मी को छोड़कर आया हूं उस हालात में कि अम्मी मैं जा रहा हूं दुनिया में अपने कौम के नौजवानों को जगाने, अपने बड़ों को जगाने, अपने बच्चों को जगाने कि जागो, ये जागने का वक्त है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरे भाई, क्योंकि फिर भी आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे दे, अल्लाह मेरी अम्मी को शिफा दे दे, उनकी जिंदगी और लंबी कर दे मेरे भाई। इतनी परेशानियों में आपके बीच में आया हूँ मेरे भाई, और मैं आपको आपके बीच में आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ मेरे भाई, पूरे दिन का सफर है, और मैं यहाँ हूँ इंशाल्लाह, मैं आपके बीच में हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली से एक दीवाना आपके बीच में इत्तेहाद की झोली फैलाने आया है। आप मेरे भाई, अगर आपसे कोई जिद नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे बड़े भी सुन रहे हैं, मेरे नौजवान साथी भी सुन रहे हैं, तमाम लोगों से कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आप इस झोली को इत्तेहाद से भरोगे तो एक एक हाथ खड़े कर अपनी जुबान से बता देना मेरे भाई, नहीं तो मैं सोच कर जाऊंगा कि दुनिया के मुसलमानों ने मेरी आवाज को नहीं पहचाना। किसको वोट दोगे मेरे भाई? आप लोग यहां पर
ऐसे ही जब अगला प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह इससे बड़ी तादाद होगी और आपका भाई फिर गरजेगा इन जालिमों के ऊपर। और जो घर में रह रहे हैं मेरे भाइयों को पैगाम देना कि दिल्ली से मजलिस का एक दीवाना आया है अपनी कौम को जगाने के लिए मेरे भाई, और अपनी कौम को जगा के रहेगा। और मेरे भाई एक बार बुलंद आवाज में नारा लगा दो मेरे भाई, ताकि मेरे अंदर भी जो थकावट है वो दूर हो जाए आपके नारे की बुलंदी से मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद, नारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद। और मेरे भाई एक बात और बताता चलूं जाते जाते कि इन फिरका परस्तों से कह दो, इन फिरका परस्तों से कह दो जो हम मुसलमानों को अपनी जागीर और इस हिंदुस्तान को, हम मुसलमानों को अपना गुलाम और हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, तो इन्हें बता दो, सुनो बजरंग दल वालों, सुनो आरएसएस वालों, सुनो विश्व हिंदू परिषद वालों, सुनो बीजेपी वालों, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीम और यहूद के टुकड़ों में पलता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हम चुका दोस्तों से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आजादी मांगने आए हैं, ये सारे चारों नुमाइंदों को, ये मेरे भाई, ये सारे नुमाइंदों